भ्रष्टाचार के बीजेपी का जिला मुख्यालय पर धरना, कांग्रेस सांसद के घर छापे के दौरान मिली करोड़ों की ब्लैक मनी को लेकर फिरोजाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं व बीजेपी सांसद ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचारी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे लोग बीजेपी कार्यकर्ता है। कांग्रेस नेता व सांसद के घर मिली सैकड़ों करोड़ की मिली ब्लैक मनी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अब जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मांग की है, जनता का पैसा कांग्रेस के भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आरोप, नोट गिरने वाली मशीनें भी गिन नहीं पा रही है, इतना नोट बरामद हुआ है, इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, यह मांग की है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन यहां दिया गया है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार संबंधी तथ्यों का उल्लेख करते हुए और वर्तमान में धीरज साहू जी के संबंध में उल्लेख करते हुए जांच के लिए और दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। तो उक्त ज्ञापन को हम लोग विधिवत माध्यम से संबंधित को पहुँचाने का करेंगे। पार्टी के द्वारा जो लगातार देश स्वतंत्र हुआ है तब से लगातार जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, सत्ता से दूर रहने के बाद भी कहीं ये सत्ता जरासी भी मिल जाती है या कोई सांसद या राज्यसभा सांसद उनका बनता है, वो कहीं कहीं भी ये भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं चूकते हैं। इसी क्रम में 3 दिन से लगातार एक धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर जो छापा मारा है सरकार ने, उनके यहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मिली है। जो पैसा गिनने वाली मशीनें हैं वो पैसा गिनने वाली मशीनें भी अपने को पैसा गिनने में असहाय महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक वहाँ की सांसद हैं मोहित्रा जी करके, उन्होंने प्रश्न पूछे लोकसभा में, प्रश्न पूछने के लिए जनता उन प्रतिनिधि को चुनती है, जनता का विकास, जनता की समस्याओं को सदन में रखें जिससे देश का विकास हो। माननीय मोदी जी विकास की बात करते हैं, ये कांग्रेस के जितने लोग रह गए हैं वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसी के निमित्त आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम किया गया कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको सजा देने का काम। कांग्रेस का अति भ्रष्टाचार, देश आज़ाद होने से लेकर अब तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, 57 साल सत्ता में रहने के बाद भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हुए। नीयतें इनकी इतनी खराब हैं कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जब पूरे देश में ईमानदारी का डंका बजा रहा है, उनके शासन में भी ये भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो बुरी बात कह रहा हूँ, इनकी आंखों में शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ईमानदार है और एक तरफ ये बेईमानी में कांग्रेस के लोग लिप्त हैं। इनका मुंह काला करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार से मुक्त हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज एक ज्ञापन महाम राष्ट्रपति महोदय के लिए एडीएम साहब को दिया है। बस हमारा इतना ही कहना पर्याप्त।